ये आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। इधर जो पिछला सत्र चला वो मेन मुद्दा से हट करके रामायण महाभारत पर आ गए, रामायण महाभारत का किताब लेकर के घूमने लगे। अरे भैया उसी के समीक्षा करा रहे हैं उसी। अरे भैया आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को हम देखेंगे जी। बात कुछ नहीं है भैया, देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सैंतने के लिए के पाठक जी को उस विभाग में लाए। चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों है? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए, अपमान सहने से अच्छा है। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद कुछ नहीं है भैया, देख रहे हैं। अच्छा बोलने आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। अरे भैया उसी के समीक्षा करा रहे हैं उसी। अरे भैया आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को हम देखेंगे जी। मंत्री बड़ा कि अपर मुख्य सचिव? मैं ये बात कही है, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। जो आप संवैधानिक बड़े हैं, ये सुने, मेरी बात है कि जब चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों है? अब चीजों को देखे समझे उसके बाद तो कुछ कहें, चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से सचिव को घुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आप भाई इसी को तो समझना है ना, चीजों को समझेंगे ना। आखिर विवाद नहीं चल रहा है, अब ये बात हम कैसे कर सकते हैं? चीजों को समझेंगे तो बताएंगे। आपके बराबर कोई है क्या इस मामले में? चंद्रशेखर जी बीजेपी नहीं चल रही है, बीजेपी आरोप कर रही है। काम है आरोप लगाना ना, उनका काम है। सत्य तुम ही लोगों का अपने काम में लगे हुए हैं सर, बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना, करे कि आपका अपने काम में लगे हुए हैं, आपका नहीं चल रहा है आपके विभाग में, वो अपना काम में लगे हुए हैं। देखिए राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे बजट का सबसे ज्यादा जो मद है, जो राशि दी गई वो शिक्षा विभाग को दी गई, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन रहा होगा, सोच रहा होगा कि शिक्षा विभाग में हमको गुणात्मक सुधार लाना है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा है, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इससे भी आगे हट करके आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो जर्जर बिल्डिंग हैं उसमें भी काफ़ी गुणात्मक सुधार लाया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें ज़रूरत था सुधार का। तो इसलिए के पाठक जी को प्रधान सचिव बनाया गया, और के पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो के काफ़ी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ईमानदार हैं, और हम लोग तो काफ़ी नज़दीक से उनको जानते हैं। जिस समय सहकारिता विभाग में वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के MD रहे, उस समय बैंक जो है सेक्शन 11 में जा चुका था, बैंक बंद के कगार पर था। जो बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो बंद के कगार पर था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद आज वो बैंक रिवाइव नहीं होता, और बैंक रिवाइव ही नहीं हुआ, आज वो प्रॉफिट में है। तो इसका 100% अगर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो के पाठक जी को जाता है। के पाठक चाहे जिस विभाग में गए हों, एक बार की अगर बात छोड़ दीजिए, पहली बार जब बिहार में प्रोविजन लागू हुआ, नशाबंदी कानून लाया गया, उस समय इनको उसका विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गिरवान डाल दिए कि उनको बहुत बेआबरू होकर उस पद से हटना पड़ा। उस जिला के जो मुखिया थे उनको कहीं नागवार गुजरा होगा कि भाई आप कैसे ही कर दिए, तो उसके अंदरूनी में भी क्या कहानी है उसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, बिहार अगर पूरे भारत में 29 स्टेट है, तो हर एक मुख्यमंत्री वेपन्स के रूप में उपयोग करती है अनेक इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को, केवल उपयोग करती है कि भाई इनका हम वेपन्स के रूप में। आपने देखा भी होगा कि जिस समय बिस्कुमान में हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में 36 का आंकड़ा था, भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता था, उस समय हमको भी सैंतने के लिए के उनको लाया गया, सी के अनिल जी को। और सी के अनिल जी को जब ऐसा महसूस हुआ कि राज्य सरकार हमको वेपन्स के रूप में गलत तरीके से उपयोग कर रही है, तो हमारे उजिगरी दोस्त हो गए, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि कहीं ना कहीं
हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या अंदरूनी बात रहा है, इनका भी विजन है, इनका भी काफ़ी दिनों का अनुभव है, लेकिन लोगों ने देखा कि इधर जो पिछला सत्र चला वो मेन मुद्दा से हट करके रामायण महाभारत पर आ गए, रामायण महाभारत का किताब लेकर के घूमने लगे, जो किसी भी विधायक किसी भी MLC को सही नहीं लगता था। तो जब हम लोग को सही नहीं लग रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे सही लगता। तो हमको ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सैंतने के लिए के पाठक जी को उस विभाग में लाए, जबकि के पाठक जी को जब ले आए तो ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि एक साल के अंदर में आपको हरेक स्कूल में शिक्षक मिलेगा, हरेक स्कूल में आपको छात्र दिखेगा, तो वो तो एक अलग सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से और मंत्रियों का भी जो हाल है, तो कुछ लोग है कि नहीं बोलता है, खून का घूंट पी कर रहता है कि भाई अपना अपना हारल मेहूरी के मारल कौन बाजार में बोलेगा, लेकिन ये मंत्री जी का बात बाजार में आ गया, पीठ पत्र युद्ध। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आपसी सहमति से सामंजस्य बैठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसमें पहल भी किए हैं, काफ़ी स्वागत योग्य बात है, बिहार के लिए संतोषजनक बात है कि भाई दोनों मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव जी को भी बैठा करके इसमें निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल हुआ है काफ़ी बेहतरीन हुआ है, और आने वाले दिनों में ये जो टकराव का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि दोनों के वर्किंग स्टाइल में काफ़ी अंतर है, इसीलिए सामंजस्य नहीं बैठ पाया। हो सकता है, होता है ना कि हर एक पदाधिकारी का, हर एक मंत्री का कार्य करने का तरीका अलग होता है। अगर विभाग में अगर टोटल सभी बिहार में अगर 25 से 28 मंत्री होंगे तो सभी के कार्य करने का तरीका अलग होता है। जितने भी प्रधान सचिव होते हैं सभी लोगों का एक्ट करने का तरीका अलग होता है। हम तो ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी है के पाठक जी, और इनका जो विजन है, इनको अगर राज्य का विकास की चिंता है तो इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित करना चाहिए, और मुख्यमंत्री अगर सचिवालय में अगर आप के पाठक जैसे ईमानदार पदाधिकारी को अगर आप पदस्थापित करिएगा तो प्रत्येक विभाग, अभी तो मात्र शिक्षा विभाग में सुधार लाएंगे ना, उसमें प्रत्येक जितने भी बिहार में आपके विभाग हैं सभी में गुणात्मक सुधार होगा, अनुशासन आएगा, आपको कर्तव्य वहाँ का कर्तव्य जो भी काम होगा वो आपको नियमित आपको दिखेगा, हर एक काम धरातल पर दिखेगा, तो आपको अनेक प्रकार का जो कार्य है उनके लाने से ही आपका हल हो जाएगा। जानकारी मिली है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? पता नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफा दिए कि नहीं दिए, लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अपमान सहने से अच्छा है, आपको लगता है कि आप अपमानित हो रहे हैं, उस विभाग में आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इस्तीफा देना ही श्रेयस्कर होगा। सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के भी? हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।